हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ व्हाट्सअप पर स्टेटस को आप कैसे हाइड कर सकते हैं। हाइड करने मतलब आप किस स्टेटस को आप छुपाना चाहते हैं, किस से आप स्टेटस छुपाना चाहते हैं, उसको आप स्टेटस आपका स्टेटस दिखाना नहीं चाहते उसको आप हाइड कर सकते हैं। तो उस सेटिंग आपको किस तरह से करना है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। यार, आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को देना सब्सक्राइब, साइड में नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है स्टेटस हाइड करने के लिए। ओपन करने के बाद आपको स्टेटस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखते हैं स्टेटस, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देना, स्टेटस वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, ऊपर में आपको देखने को मिल जाता है थ्री डॉट, आपको देख सकते हैं। तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते स्टेटस प्राइवेसी में आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे स्टेटस प्राइवेसी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते ऊपर में आपको माई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट रहेगा। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं माई कॉन्टैक्ट एक स्टेप पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जिस चीज़ आप हाइड करना चाहते हो यहाँ पे देख सकते हो हाइड कर सकते हैं। तो मैं किसी को आपको हाइड करके दिखा देता हूँ। चलिए, मैं यहाँ पे तीन को हाइड कर दिया। ठीक है, हाइड करने के बाद यहाँ पे देख सकते नीचे आपको देखने को मिल जाता है राइट का ऑप्शन, आपको लिखने को मिल जाता है। यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग अपडेट हो चुका है। जब मैं स्टेटस लगाऊंगा तो वो मेरा सब मेरा स्टेटस देख पाएगा, मगर वो तीन बंदा मेरा स्टेटस देख नहीं पाएगा क्योंकि मैंने उसको हाइड कर दिया। तो आप इस तरह से हाइड कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।